जनाब, शरारती बच्चा काफ़ी दिन से गायब था हमारी वीडियो से, तो आज हमने पकड़ लिया है। इनका आज बंदोबस्त ये करके आए हैं, ये कोई बेंटन की टॉफी नहीं है, बीमार हो गया था। जाऊँ क्यों अपने आ जाओ ये हो गया आई थे। हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बाबर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाबू विलेज वाइब्स। तो अल्लाह के करम और शुक्र और फजल के साथ मैं हूं ठीक, और उम्मीद करता हूं आप भी सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज नए सूरज के साथ, नए दिन के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहे, और बेल आइकन बटन लाजमी प्रेस कर लें। तो चलते हैं नए वीडियो की तरफ। सुबह सुबह मुरब्बे, क्योंकि आपको बताया था सेकेंड लास्ट वीडियो में भी कि सुबह और शाम एक दफ़ा हाज़िरी देनी पड़ती है, क्योंकि मक्की का खेत जो है यहाँ पे परिंदों का बहुत हमला होता है, और जनाब परिंदे अपनी खुराक यहीं से आके बनाते हैं, तो सुबह शाम एक चक्कर लाजमी लगाना पड़ता है। और वैसे भी रात को पानी लगा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो विज़िट कराते हैं, पानी किस किस खेत को लगाया गया तो वो भी विज़िट करना था, और जनाब खेत भी देखना था। तो मैं आ गया हूँ मुरब्बे, शायद की मक्खियाँ मंडरा रही हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं इनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो इस खेत पे ज़्यादातर शहद की मक्खियाँ आती हैं, क्योंकि यहीं से रस बनाती हैं, और फिर जनाब अपनी पेट पूजा भी करती हैं और साथ में लोगों की भी करवाती हैं, क्योंकि शहद तो फिर हर बंदे की ज़रूरत है। तो ये हमने कल थ्रेशर लगवाई थी, तो उसमें आपको पता है थ्रेशर ने राया साफ़ करके तो नहीं निकालना होता, कुछ कचरा आ जाता है तूड़ी वगैरह का। तो ये आज हमने जनाब सफाई करवा रहे हैं, ताकि खुश्क भी हो जाए और वैसे भी साफ़ सुथरा मंडी में लेके जाए, तो इसी वजह से सारा साफ़ करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आधा हो गया और बाकी आधा रह गया है, ये भी इंशाल्लाह जल्दी तक हो जाता है। वापिस मुरब्बे, घर में आज काम करवाया सरसों का, जो जो कल हमने काम किया था वह आज हमने उसको सरसों को साफ़ वगैरह करवाना था, तो हमने जनाब घर में लेबर लगाई हुई थी, साफ़ वगैरह करके हम आ गए जनाब। मुरब्बे मुरब्बे आप किस लिए आए वो तो आपको अंदाज़ा हो भी गया होगा, कल वाली वीडियो भी आपने देखी होगी, तो जिन भाइयों ने देखी है उनको ज़रूर पता होगा कि मैं क्यों आता हूँ शाम को यहाँ पे। जनाब खेत में आया हूँ मक्की वाले, तो यहाँ पे कमों का तो बहुत ज़्यादा रश होता है, ऐसे रश होता है जैसे वलीमे वाले दिन लोगों का रश होता है, तो इनका ये समझ लें कि इनका ये वलीमा ही था। तो मैं आऊँ तो जनाब पूरे खेत में ऐसे लग रहा था जैसे कि मतलब इन खालियों में मक्की नहीं कवे उगाए जा रहे हैं, तो इतने कवे थे। तो जनाब हम आज इनका बंदोबस्त करके आए हैं, क्या बंदोबस्त करके आपको दिखाते हैं। इनका आज बंदोबस्त ये करके आए हैं, ये कोई बैंटन की टॉफ़ी नहीं है, ये जनाब हम लेके आए पटाखे। तो पटाखे हम लेके आए तीन चार किस्म के, अगर एक कामयाब ना हुआ तो दूसरा सही, और साथ में माचिस। और ये एक बड़ा पटाखा है, ये छोटे हैं, तो इनका आज बंदोबस्त हम पूरे तरीके से करके आए। ये को पटाखे हमने शादी जो वलीमा है ये उन पे चलाएंगे, और ये हालत देख रहे हैं, ये जड़ से उखेड़ के रख देते हैं, ये देखें ये उन्होंने जनाब काटी है ऊपर से मक्की। अब दिल तो करता है बंदा इनको एक 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 को पकड़ के मारे, पर बस नहीं ना चलता। चलो खैर, जो उनके नसीब में था वो उन्होंने खा लिया, अब इनके नसीब में यहाँ से कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आज आप आम मीनिंग के जनाब सारे हैं, तो देख जी आप इधर उधर के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि एक पटाखा हमने फोड़ दिया, तो अब इनके कानों में वही आवाज़ गूंज रही है, तो इधर से उधर से उधर।
मैं आ गया हूँ जहांगीर के पास, और जहांगीर जनाब बीमार हो गया था, जाऊं क्या बने आयो टीका लगा रहा है तो नहीं तो मैं वडी में नहीं कोई नहीं पट्टे नहीं नहीं हूं जंग न जंग बोतल लग सी तो ठीक हो से दो बोतल हो अंदर लगा मैं तो जंग खून वाली एक ठुकाल बोतल खून दी कोई रोला ने जंग तेरे उतर ने खर्चा करना तो कहीं जोता करना तो दो लगा यार बस हो गई इंदा हद तक कभी नहीं आई मैंने ये जंग तेन कमजोरी हो गई है ना ये कमजोरी तू लांदा तो जहांगीर ने जनाब ये चारा काटा जहांगीर अब थक गया आ मुड़सा रहे हो खिलार लेने हो हाँ और बरेडी सो रहे नहीं ला चंगी पहले सो नहीं के ले आओ ओ यार चार चोर कण हो गए चार साल वक्त हो जासे ओए पानी नहीं लाई ना इसे तो पक जासे कैसे निकलेंगे सर मैं जा रहा हूँ अब वापस तो कमों का अब टाइम ख़त्म हो चुका है तो अब घर की तरफ चलते हैं शाम भी हो चुकी है और सूरज ग़ुरूब हो चुका है तो अब हम भी चलते हैं जैसे कवे घर चले गए हैं अपने अपने हम भी घर को चलते हैं जनाब शरारती बच्चा काफ़ी दिन से गायब था हमारी वीडियो से तो आज हमने पकड़ लिया है। व्यूअर कैसे हो बोलो बाय बाय हाय करो व्यूअर को। तो शरारती बच्चा जी मस्तियां कर रहा है। शरारती बच्चा जनाब अब चलने लग गया है बड़ा ना आज के व्लॉग यहीं पे करते हैं इख्तिताम। टाइम काफ़ी हो गया है, कल फिर मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। तो जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए थे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहे। तो अल्लाह के करम और फजल से कल नए व्लॉग का स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें जा रहे हैं, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।